सासाराम प्रखंड के धौडाड गांव में दो तालाब के अस्तित्व को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका CWJC 7847/2019 पर सुनवाई के पश्चात जस्टिस ज्योति चरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रोहतास जिलाधिकारी से 18 जून तक रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट तलब होने के पश्चात लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हरकत देखी गई। सोमवार की देर शाम कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्य टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों तालाबों का निरीक्षण किया। इस मौके पर याचिकाकर्ता उमरेंद्र कुमार सुमन और मत्स्यजीवी समिति के मंत्री संजीव मोहन भी उपस्थित थे। ATN Live।